हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे। और आज आपके लिए लेके आए यहाँ पे क्या, वर्ब। वर्ब का मतलब हम सभी को पता होता है, क्या होता है वर्ब का मतलब? क्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे वर्ब को देखेंगे और इसकी जैसे बाकी सारे वीडियो में उसका हिस्ट्री, बाकी सारी कंट्री में कैसे फ्राई होती है, उस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखा जाए आर्टिकल, अगर वर्ब की बात की जाए तो दिस आर्टिकल इज अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब कहाँ से हम लोग देखते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर द फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम सी वर्ब प्रोग्राम। फॉर इंग्लिश यूजेज ऑफ वर्ब से इंग्लिश वर्ब। फॉर द रेडियो प्रोग्राम सी दी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनका, पहले वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब फ्रॉम लैटिन वर्बम वर्ड इज ए वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब कहाँ से लिया गया, एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब वर्बम वर्ड, लैटिन का एक वर्बम वर्ड है उससे लिया गया है वर्ब। इज ए वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच दैट इन सिंटैक्स जनरली कन्वेज एन एक्शन। ब्रिंग रीड वॉक रन लर्न। सीधी से बात करें ब्रिंग का मतलब लाना होता है, रीड का मतलब पढ़ना होता है, वॉक का मतलब टहलना होता है, रन का मतलब दौड़ना, लर्न का मतलब सीखना। तो ऐसे करके जितने भी नाना आ रहे हैं उन्हें हम लोग भर बोलते हैं। एन ऑकरेंस हैपेंस बिकम और ए स्टेट ऑफ बींग द एग्जिस्ट स्टैंड इन द यूजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंग्लिश। द बेसिस फॉर्म विद और विदाउट द पार्टिसल टू इट्स डू इनफाइनिट इन द मेनी लैंग्वेज। वर्ब्स आर इंफ्लेक्टेड मॉडिफाइड इन वर्ब टू इनकोड टेंस एस्पेक्ट मूड एंड वॉइस। ए वर्ब में ऑल्सो एग्री विद द पर्सन जेंडर नंबर और सम ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स सच एज इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब्स हैव टेंसेज प्रेजेंट टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, पास्ट टू इंडिकेट एन एक्शन हैज बीन डन, फ्यूचर टू इंडिकेट दैट एन एक्शन विल बी डन। यहाँ पे बताता है कि वर्ब के माध्यम से पता चलता है कि ये क्रिया हो चुकी है या होगा या होने वाला है। ठीक है, फॉर सम एग्जाम्पल आई वॉश द कार यस्टरडे। मैंने अपनी कार को यानी कि बीते हुए कल धोया। द डॉग एट माई होमवर्क। कुत्ते ने द डॉग एट माई होमवर्क। कुत्ते ने मेरी होमवर्क खा गया। जॉन स्टडीज इंग्लिश एंड फ्रेंच। लूसी इंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। बराक ओबामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 2009 ऑकरेंस। माइक टॉरिस्ट इज ए सेंटर फोल्डर। उसके बाद इसकी एग्रीमेंट्स को देखते हैं। इन लैंग्वेज वेयर द वर्ब इज इन्फ्लेक्टेड इट ऑफन एग्रीज विद इट्स प्राइमरी आर्गुमेंट डैट द सब्जेक्ट इन ए पर्सन नंबर और जेंडर विद द एक्सेप्शन ऑफ द वर्ब टू बी इंग्लिश सो डिस्टिंक्टिव एग्रीमेंट ओनली इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच आर मार्क्ड बाय माइनस एस वॉक्स और एस फिशेज। द रेस्ट ऑफ पर्सन आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन द वर्ब आई वॉक यू वॉक दे वॉक इट इज। देन लैटिन एंड रोमांस लैंग्वेजेज इन्फ्लिक्ट वर्ब्स ऑफ द टेंस एस्पेक्ट मूड एब्रीविएट देम एंड दे एग्री इन पर्सन एंड नंबर बट नॉट इन जेंडर एज फॉर एग्जाम्पल इन द पॉलिश विद द सब्जेक्ट जापानीज लाइक मेनी लैंग्वेज विद एसओ वी वर्ड ऑर्डर इन्फ्लेक्ट वर्ब फॉर टेंस एस्पेक्ट मूड्स एंड विल एज अदर कैटेगरी सच एज नेगेशन बट शोज एब्सोल्युटली नो आर्गुमेंट विद द सब्जेक्ट। इट इज स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट मार्किंग लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड बेस्क गॉर्जियन एंड सम अदर लैंग्वेज हैव बीन पोली पर्सन एग्रीमेंट द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इवन द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इफ प्रेजेंट ए ग्रेटर डिग्री ऑफ हेड मार्किंग देन फाउंड इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज। इसके टाइप्स की बात करें, वर्ब्स वेरी बाई टाइप एंड ईच टाइप इज डिटरमाइंड बाई द काइंड ऑफ वर्ड डैट एकम्पनी इट एंड द रिलेशनशिप दोज वर्ड्स हैव। द वर्ब इटसेल्फ क्लासिफाइड बाई द नंबर ऑफ देयर वैलेंसी आर्गुमेंट्स। यूजुअली फोर बेसिक टाइप्स ऑफ डिस्टिंग्विशेज इन ट्रांजेटिव्स ट्रांजेटिव्स डिस्ट्रांजेटिव्स एंड डबल ट्रांजेटिव वर्ब्स। सब वर्ब्स हैव स्पेशल ग्रामेटिकल यूज एंड एनहेंस्ड कॉम्प्लीमेंट सच एज पॉपुलर वर्ब्स। वर्ब्स डू यूज फॉर टू सपोर्ट इन क्वेश्चनिंग एंड नेगोटिएशन एंड टेंसेज एज एस्पेक्ट auxiliaries example we have or can. In addition verbs can be non-finite not inflected for person number tense etc. such special forms as infinite particles or gerunds. Intransitive verbs. An intransitive verbs is one that does not have a direct object. Intransitive verbs may be followed by an adverb a word that expresses how, where, when and how often or in a sentence. For example, the woman spoke softly. The athlete ran faster than the official boy came. Transitive verbs की बात की जाए
ए ट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन. दिस नाउन फ्रेज आर नॉट कॉल्ड प्रेडिक्ट नाउन्स बट आर इंस्टेड कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन. फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड रीड द न्यूज़पेपर द टीनेजर अर्न्ड ए स्पीडिंग टिकट. ए वे टू आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब इज टू इनवर्ट दिस सेंटेंसेस मेकिंग इट स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल द न्यूज़पेपर वाज रीड बाय माय फ्रेंड ए स्पीडिंग टिकट वाज अर्न्ड बाय टीनेजर. Detransitive verb sometimes called VG verbs. After the verbs give precede with two noun phrases or a noun phrase and the prepositional phrase often led by two or four. For example, the players gave their teammates high fives. The players gave him fives to their teammates. When two noun phrases follow a transitive verb, the first is an intransitive verb which is receiving something and the second is a direct object that being acted upon indirect. Being can be noun phrases or prepositional phrases. Double transitive verbs sometimes called VC verbs. After the verb consider are followed by a noun phrases that serves as a direct object and then a second noun phrases adjective or infinite phrase. The second element noun phrases adjectives or infinite is called a complement which is completes a clause that would not otherwise have the same meaning. For example, the young couple consider the neighbors wealthy people. Some students perceive adults quite incorrectly. Sarah deemed her project to be hardest has she been ever completed. Kofler verbs ki baat. Linking verbs include be seen, become, appear, look and remain. For example, her daughter was writing to her. The singers were very nervous. His mother looked worried. Josh remained, perceived nouns or adjectives in a sentence which becomes predicate nouns and predicate adjective. Couplers are true to link to predicate adjectives or noun to subject. They can also be followed by an adverb or place which is sometimes referred to as predicate verb. For example, my house is down the street. The main popular verb is being manifested in eight forms is am, are, was, were, been and being in English. Balancing. The number of argument that verbs takes is called its valency or valence. Verbs can be classified according to their valency. Valent. Valency, the verb has neither a subject nor an object. Zero valency does not occur in English. In some languages such as Mandarin, Chinese, whether verbs like take no subject, object, transitive valency, one monovalent. The verb only has a subject, for example, runs its verb. Transitive. The verb has a subject and a direct object, for example, see its fish, we hunt nothing. Detransitive valency, the verb has a subject, a direct object and an indirect object. For example, he gives her a flower or she gave him John the watch. A few English verbs, particularly those considered with financial transactions, take four arguments as impact, sold rights, honors, estu, and chairs, pet, fed to for a lawn mower. Impersonal and objectives verbs, whether verbs often appear to be impersonal subjects or avalanche in null subjects. Language like Spanish, where the verbs elope means it runs in English, they require a dummy pronoun and therefore formally have been valency. However, as verb been Spanish, incorporate the subject as a tam suffix. Spanish is not actually a null subject language, unlike Mandarin, see above. Such verbs in Spanish also have a valency of want. Intransitive and transitive verbs are the most common, but the impersonal and objective verbs are somewhat different from the norm in objective. The verb takes an object, but no subject. The non-referent subject in some usage may be marked in the verb by an incorporate dummy pronoun similar to that used in the English. Whether verbs, impersonal verbs in null subject language take neither subject nor object, as is true of other verbs, but again the verbs may so incorporate dummy pronouns despite the lack of the subject and object present. Valency marking. Well, verbs are often flexible with the regards to valency in valency marking language, which such as English, a transitive verb can often drops its object and become intransitive. Or an intransitive verbs can take an object and become intransitive. For example, in English, the verb moves and no grammatical object and he moves. Though in the case, the subject itself may be an implied object, also expressible explicitly in the he moves. But in moves, the car, the object and object are distinct and the verb has a different valency. Some verbs in the English, however, have historically derived from that, so changes of valency in the some positive verbs such as fall, feel, fallen. Fell, felt, felled, rise, rose, risen, rise, 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 coast, 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 coasted, coasted.
इन बैलेंसी मार्किंग लैंग्वेज बैलेंसी चेंज इज सोन बाय इन्फ्लेक्टेड द वर्ब इन ऑर्डर टू चेंज द वैलेंसी इन कलर लगो ऑफ ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल बॉब्स डिस्ट्रीब्यूट्स वैलेंसी बाय आर्गुमेंट सफिक्स एंड टेम एंडिंग्स देयर आर सम एग्जांपल्स हियर यू कैन आल्सो सी दिस टेंसेज एंड एस्पेक्ट्स बात की जाए A single word verb is a Spanish content information about time, past, present, future, personal, and number. The process of grammatically modifying a verb to express the information is called conjunction. Tense. Grammatically tense is the usage of auxiliary. ऐसे करके हम लोग tense भी यहाँ पे आ रही है, but यहाँ पे अभी हम लोग क्या है? सिर्फ अभी हमें verbs को ही देखना है. Verbs का use कहाँ कहाँ किया जाता है? ये हम लोग next video में voice में use करते हैं, non-finites में use करते हैं. ऐसे बहुत सारे चीज़ों में करते हैं वर्ब्स का यूज. वर्ब्स इन वेरियस लैंग्वेज, वर्ब्स काफ़ी सारी लैंग्वेज में है. एडगी वर्ब्स में है, ठीक है, एडगी में है, अरबिक वर्ब्स में, एंशियंट ग्रीक वर्ब्स, वेस्क्यू वर्ब्स, बल्गेरियन वर्ब्स, चाइनीज वर्ब्स और फाइनेस वर्ब, देन जर्मन वर्ब्स, जर्मेनिक वर्ब्स, हेब्रू वर्ब, हंगेरियन वर्ब्स, इल्कोनो वर्ब्स, आयरिश वर्ब्स, इटालियन वर्ब्स, जापानीज एंड गोडन वर्ब्स, कोरियन वर्ब्स, लैटिन वर्ब, पर्सियन वर्ब्स, पोर्टुगीज वर्ब, कंजुगेट पोर्टो इंडो यूरोपियन वर्ब, रोमांस वर्ब्स, रोमानियन वर्ब्स, संस्कृत वर्ब्स, सिसोथिप्स वर्ब्स, स्लोवन वर्ब्स, स्पेनिश वर्ब्स, टिग्रिनियन वर्ब्स. ऐसे क्या है कि अगर देखा जाए तो जितने भी कंट्री है उसका सबका अलग अलग है. एक्जुलरी वर्ब्स, उसके बाद बाकी ग्रामर वगैरह है, और उसके बाद यूज कहाँ करते हैं इसको, और सारी इंफॉर्मेशन दी गई है. तो आशा करते हैं आज का वीडियो भी सबको पसंद आया होगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो के